तो हम लोग एटॉमिक मास का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज हमारा कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कौन कौन एलिमेंट से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 कितना एटम है? 6 साइन प्लस यहाँ बोलिए 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पर 16 लिखिए कितना आइटम है? 6, यहाँ पर इंटू 6 लिखिए। अब 12 को 6 से गुणा कीजिएगा तो 72। देखिए यहीं से 6 × 12 दो हाथ में 6 × 1 = 7, 12 है तो 12 दिया, 6 × 36 का 6 हाथ में 3, 6 × 6 = 3, 9। देखिए 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 10 का 0 हाथ में बचा 1, 9 × 1 = 10, 10 × 1 = 11, 11 × 7 = 18, तो हो गया 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। सर 17 ना होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बोलो, नहीं रे 16 × 6 = 90। वो नहीं, यहाँ पे 18 है, उसकी तरह 17 होगा ना? नहीं, देखो 6 × 8 हुआ, 8 × 2 = 10 हुआ, 10 का 0 हाथ में बचा पे 1, ठीक है? 9 × 1 = 10 हुआ, 9 × 1 हाथ में जोड़ दिया 10, 10 × 11 ग्यारह सात 18। वो एक नीचे ध्यान में रखिएगा। आ यूनिट क्या यूज कीजिएगा? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। कितना होता है? 180। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ग्लूकोज। हाँ, पूरा आपको खुद करना पड़ेगा, समझे? आपको 12th क्लास में भी यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल सुनाने। फिर एक है हमारा सुक्रोज। और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और सुक्रोज को एक प्यार से हम लोग शुगर बोलते हैं। शुगर? हाँ, शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, रोज खाते होंगे लेकिन पता नहीं होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 का डबल 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाँ बनाइए ना, हम आपको ये लिखना और बना के लाना है। हम कैलकुलेटर भी कर दे रहे हैं, समझे? कि आपको पास ले जाएगा घर में कैलकुलेटर। हाँ, आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ये लिखना है, आपको खुद कैलकुलेट करना है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, कितना आइटम है? 12, तो गुना 12 कर दिए। अब कार्बन से हाइड्रोजन जा रहे थे, क्या यूज कीजिएगा? प्लस, तो प्लस दे दिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ 1 लिख दिए, कितने एटम है? 22 लिख दिए, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन दिए प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और 16 × 11, तो 12 को 12 से गुना कीजिएगा। देखिए स्टाइल 12 को 12 से गुना कर रहे, ठीक है? नया स्टाइल सिखा रहे गुना करने, आप लोग नहीं जानते। देखिए 12 है ना, तो 12 × 2 = 24, 24 का 4 हाथ में 2, 12 × 12 = 2, 14 कितना हो गया? 144। यहाँ आ गया मेरा 144 और ये मेरा 22। अब देखिए 16 को 11 से गुना करना, तो 11 × 6 = 66, हाथ में बचा 6, 11 × 11 = 17, ये हो गया मेरा 176, ये हो गया मेरा 176, 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 2 हाथ में 1, 7 × 8 = 8, 8 × 2 = 10, 10 × 4 = 14, 4 हाथ में 1, 1 × 2 = 3, आ गया 342। और इसका यूनिट क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 342 एटॉमिक मास या यूनिफाइड मास। करवाइएगा नहीं इसका? अब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है? दो एग्जाम्पल होगी आपके सामने। एक हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल है यूरिया। यूरिया? हाँ। वो क्या होते खाद वाला? अरे यूरिया नहीं सुने आप लोग? वही वही जो डीएपी पे खाद में बोलते हैं। हाँ हाँ, उसका फॉर्मूला होता है NH2
सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, यही हमारा क्या है यूरिया, जिसको खाद बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग खेती करने में करते हैं। अब देखिए आपको इस फॉर्म में देगा ना, कभी भी आप इस फॉर्म से नहीं बनाना चाहते कीजिएगा, लड़ा जाए। मान लीजिए नाइट्रोजन का लिखे, हाइड्रोजन का लिखे, कार्बन का लिखे, आदत आगे बढ़ने का, फिर आगे बढ़ जाइएगा ऑक्सीजन छूट जाएगा, समझे। तो साल में क्या कीजिए, सबको एक साथ जोड़िए। नाइट्रोजन का कितने आइटम है, दो आइटम, टेन टू लिख दिया, हाइड्रोजन दो और दो चार, हाइड्रोजन चार हो गया। अब कार्बन देखिए, कार्बन एक था, कार्बन एक लिखे, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक, तब N2H4CO वही फॉर्मेट आ गया, यही हमारा क्या है यूरिया। यही तो बन जाएगा आपका नाइट्रोजन का टोटल मास 40 और हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड ये बचपन से आप लोग पढ़ते हो ये फॉर्मूला। अब देखिए इसको एसिटिक एसिड कैसे नाम पड़ा, ये दो कार्बन है ना, दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, जिस तरह हम लोग कॉमन नेम होता है गांव में प्यार से बोला जाने वाला भाषा, जैसे कोई बच्चा मंगलवार को जन्म उसको मंगला बोल देता है, उसी तरह दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोल दिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप पानी में डालिए तो टूट के एच प्लस देगा, एच प्लस देगा तो ये हमारा क्या है एसिड। तो देखिए आप दो ऑक्सीजन बचा तो दो ऑक्सीजन के लिए दिए आईसी मतलब ई, और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए, इसका नाम क्या हो गया एसिटिक एसिड। अब इस फॉर्मेट का नहीं बनाइएगा, इसको कंडेंस कीजिएगा। कार्बन का दो एटम है तो दो लिख दिए, हाइड्रोजन तीन और एक चार, हाइड्रोजन चार हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है दो, देखिए कार्बन एक और दो था, दो हो गया, हाइड्रोजन चार तो चार हो गया, अब ऑक्सीजन दो है, ये हो गया मेरा दो। देखिए ना एक और एक दो कार्बन, समझे करवाइएगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हैं और इसी को हम लाइम स्टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइम स्टोन, बन जाएगा ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इथेन C2H6, जो क्या बोलते हैं इथेन, और इथेन का जनरल फॉर्मूला हुआ करता था CnH2n+2, कार्बन का नंबर दो तो दो का डबल चार और फिर दो जोड़ दीजिए छह, हाइड्रोजन छह हो गया। एक और फेमस कंपाउंड आप लोग पढ़े होंगे C2H2, जिसको इथाइन है, और इथाइन का फेमस नाम है एसिटाइलीन, इसी का नाम फेमस नाम क्या है एसिटाइलीन, वो नाम लिख लीजिएगा, वो नाम क्या है मेरा इथाइन। जब हम लिंकर बनाएंगे तो एसिटाइलीन यूज करेंगे, उस समय याद रखेंगे कि इथाइन का फॉर्मूला होगा, बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके जी जेड दवाई से।